बैलेंस शीट थी गार्नर वर्सेस मुरे की। गार्नर की कैपिटल 2500 लगी थी, मुरे की 314 पाउंड की, टोटल 2814 पाउंड। कैश 1916 पाउंड था। विल्किंस की डिफिशिएंसी 263 पाउंड। लॉस ऑन रियलाइजेशन 635। ये था, ये तीनों बराबर के साझेदार थे और इनकी कैपिटल अलग अलग लगी हुई है, एक की 2500 पाउंड, दूसरे की 314 पाउंड। यही था ना, इसमें विल्किंस इंस्टॉलमेंट हो गए, देने लायक कुछ नहीं बचे। जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो बराबर का था, बराबर होने के नाते जो सॉल्वेंट पार्टनर थे उन्हीं को देने का अधिकार था। इसमें जो नुकसान आपका था 263 पाउंड और 635 पाउंड को दोनों को जोड़ देंगे नुकसान को और आधा आधा कर लेंगे। इसमें 135 पाउंड जो है हमारे ख्याल ज्यादा आ रहा था, 314 में से घटाने के बाद 400 कुछ रुपए का नुकसान था, इसमें 314 रुपए आप घटा देंगे, 314 पाउंड घटा देंगे तो 135 पाउंड का जो है नुकसान आ रहा था। जिसमें मुरे को उन्होंने किनारे लगा दिया और गवर्नर ने जो है 1917 रुपए का जो कैश लगा हुआ था उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा भाई हम तो दिवालिया हुए नहीं तो हमको क्यों बाहर कर दिया गया, तो हमारा जो कैश है उसमें हमारा भी अधिकार होना चाहिए। उसमें कोर्ट केस हो गया, कोर्ट केस में 1904 में जस्टिस ग्रेस ने जो फैसला किया है, पहला नंबर एक, लॉस ऑन रियलाइजेशन शुड बी शेयर्ड, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी बराबर बराबर तीनों बांटेंगे। दूसरा, द सॉल्वेंट पार्टनर शुड ब्रिंग इन कैश इक्वल टू देयर शेयर ऑफ द लॉस ऑन रियलाइजेशन, जो नुकसान होगा सॉल्वेंट पार्टनर का, मतलब जो क्षम जो देने लायक है जो सॉल्वेंट नहीं हुए हैं वो नगद में लाएंगे। और तीसरी बात कही थी, द टोटल डिफिशियंसी ऑफ द इंस्टॉलमेंट पार्टनर कैपिटल शुड बी बोर्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल एज दे स्टूड आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट। तो जो दिवालिया हो गया है वो तो देने लायक नहीं है, उसकी कमी को कौन पूरा करेंगे, सॉल्वेंट पार्टनर करेंगे, किस रेशियो में करेंगे, अपने कैपिटल रेशियो में। तो तीन बातें कही गई, नंबर एक जो नुकसान है सब में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, जो कमी है उसको सॉल्वेंट पार्टनर लाएंगे, इसकी कमी को कैपिटल रेशियो में सॉल्वेंट पार्टनर बांटेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या भारत में गार्नर वर्सेस मुरे रूल लागू होता है, ब्रिटिश साझेदारी है, ब्रिटिश साझेदारी इंडिया में लागू नहीं होती है, भारत के अंदर कौन सा लागू होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932 लागू होती है, लेकिन उसके रूल्स इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने अडॉप्ट कर लिए। रिजर्व फंड नौ हजार कैपिटल ए और ये टोटल हो गया। बैंक 4000, मशीनरी 20,000, फर्नीचर 8,000, टेटर 20,000 20,000, 20 कैपिटल 3,000, टोटल हो गया 5,000। नए पैराग्राफ लिखिए, द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व
ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ बी डिसॉल्व DISSOLVED डिसॉल्व ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ बी Who is unable to contribute? Who is unable to contribute anything? Anything in the payment of his debt? To the firm, machinery realized rupees 15,000, 15,000, and furniture to the firm 3,200 only 3,200 rupees 12,000 was recovered from debtors. Full stop. Creditors were paid at a discount of 5%. Prepare necessary accounts in the books of the Then solve this question according to Indian practice. ये सवाल है, इसमें जो है प्री दिवाली हो गए हैं, ये देने लायक कुछ नहीं बचे हुए हैं, दोनों के हिसाब से आपको लगाना है गार्नर वर्सेस ड्यूरे और इंडियन प्रैक्टिस। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस सारी चीजों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जब मैंने बताया था उसी तरह से यहाँ भी ट्रांसफर किया जाएगा। ये मशीनरी अकाउंट, कितने का है? 20,000। फर्नीचर 8,000। फर्नीचर अकाउंट 8,000। टू डेटर्स 20,000 20,000 20,000
बाय क्रेडिटर्स पच्चीस हजार ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वो अमाउंट है जो पुरानी बैलेंस शीट में दिया हुआ है, एज इट इज हमने ट्रांसफर कर दिया, कहाँ कर दिया, बैलेंस शीट अभी बनाई है उसी अमाउंट को हमने ट्रांसफर किया। अब जिन चीजों से आपको पैसा जो पेमेंट करने की बारी आ रही है, इसमें 15,000 प्लस 3,200 प्लस 12,000 इसमें जोड़ लीजिए, देखिए मशीनरी से 15,000 है, फर्नीचर से 3,200 है, 30,200 हो जाएगा। हाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ 15,000 मशीनरी फर्नीचर 3,200 और आपके 12,000 डेटर्स टू बैंक 15,000 प्लस 3,200 फर्नीचर से प्लस 12,000 डेटर से, यही मिला है ना पैसा? जी सर। इनको आप जोड़ के लिख दीजिए 30,200 होगा सर, 30,200 32,000 में से 5% डिस्काउंट करेंगे कितना आ जाएगा? 1,500 क्रेडिटर से लगा हुआ है इनटू 5/100 ये कितना आ गया? 1,600 32,000 में से 1,600 घटा दीजिए कितना आ जाएगा? 30,000 अब 3 साझेदार हैं, इधर का टोटल कर दीजिए, कितना हुआ टोटल? सर इधर का 78,200 डिफरेंस कितना आया? एक सेकंड, जस्टिस ज्वाइस ने फैसला पहला डिसीजन दिया था जो भी नुकसान होगा सारे साझेदार बांटेंगे, किस रेशियो में? जो रेशियो भी ये बराबर के तो बराबर बांट दिया जाएगा। बाय एज कैपिटल कितना कितना है? तीन से भाग कर दीजिए ना, बराबर बराबर। जी सर। 5,000 कितना है? 5,266.6 हाँ मेरा भी वही आया। 5,266.6 पहले
गार्नर वर्सेस बुरे के रोल में जो भी नुकसान होगा सारे पार्टनर इंक्लूडिंग सबके हिस्से में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इसको मिटा दें सर। पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए बी सी बैलेंस ड्रॉ डाउन आठ हजार और छह हजार टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इनका कितना है 3000 टू रियलाइजेशन लॉस 5266 इसमें हमारे में गलत छपा हुआ है इसलिए कैलकुलेशन आप साथ कर लीजिए। इसके बाद जो भी फंड होगा वो सबका फंड होगा चाहे इंस्टॉलमेंट क्यों ना हो गया हो। इसमें कितना लगा हुआ है फंड रिजर्व फंड 9000 लिखा हुआ है बाय रिजर्व फंड जाएगा 9000 क्वेश्चन में कहा गया है सॉरी गार्डन वर्सेस मोरे रूल में कहा गया है जो सॉल्वेंट पार्टनर होंगे अपने नुकसान को नगद में लाएंगे। ये कहा था ना पहले पॉइंट जो उनका लॉस एंड रियलाइजेशन होगा उसको नगद में पूरा करेंगे नुकसान ये पूरा करेंगे नहीं नगद में लाएंगे। देखने कहा गया है ये तो देने लायक बचे नहीं इंसॉल्वेंट हो गए इंसॉल्वेंट से कोई लेना देना नहीं है इसकी कमी को ये नगद ला के पूरा करेंगे। कौन करेगा ए और सी बाई बैंक 5266 तो ये जो नुकसान हुआ था ये नकद में ले आए। अब जो है कौन दिवालिया हुआ है सबसे पहले इनका 8000 इनका कितना 8266 इसकी कमी को कौन पूरा करेगा ए एन सी किस रेशियो में करेंगे कैपिटल रेशियो में करेंगे। कैपिटल रेशियो का क्या क्या है 8 और 6 है यानी 4 और 3 4:3 4:3 के रेशियो को पूरा कौन करेगा यानी इतना अमाउंट यानी 5266 को 4 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए भाई एज कैप्टन भाई सी कैपिटल 5266 को 4 और 3 में बांटा जाएगा बाकी कितना कितना है 5000 को कितना मतलब बोर्ड करना पड़ेगा बहन करना पड़ेगा 3000 कितना है 4/3 ना
3948 3948